बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। कमाल की रेमडियां, सर्दियों को लेकर के रेमडियां, आपके सेहत के हवाले से रेमडियां मेरे भाइयों, बाबा फूड आरआरसी आप तक पहुंचा रहा है। अपने तजुर्बात आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। सर्दियों में एड़ियां फट जाती हैं, क्रैक जिसे आप कहते हैं, एड़ियां क्रैक हो जाती हैं। मेरी एड़ियां क्रैक नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वाली रेमडी यूज करता हूँ, एड़ियां बिल्कुल इस तरीके से साफ रहती है। ठीक, गल समझ आ रही है? अच्छा, ये होती क्यों है, ये क्यों क्रैक पड़ते हैं, फट जाती है, क्यों फटती है? ये इसलिए फटती है, हम लोग सर्दियों में पानी का यूज कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, इसलिए हमारी एड़ियां फट जाती हैं। फटी हुई एड़ियां अच्छी नहीं होती। गल समझ आ रही है? बिस्तर पे जाते वक्त उलझन होती है, खारिश होती है और वो बुरी भी लगती है जूता पहने हुए। साफ सुथरी आपकी हील किस तरीके से बनेगी, एड़ियां खूबसूरत किस तरीके से लगेंगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट में रिजल्ट आप देख लीजिए। बाबा इतने खिलौता है, आपका खर्चा भी 20 से 25 रुपए का होगा। किस तरीके से यह रेमडी बनेगी, तवज्जो से देखिएगा। एक छोटे साइज का हमने प्याज ले लिया, अब हमने इस तरह 4 टुकड़ों में कर लिया, हम इसको चॉप करने लगे हैं। आपके पास चॉपर नहीं है तो कद्दूकश की जो बारीक साइड होती है इससे आप कद्दूकश कर सकते हैं। ठीक हो गया, चॉपर में डाल दें, कोई मसला नहीं बनेगा। इस तरीके से यहां से ऊपर से कवर लगा दें, इसको चॉप कर लें। प्याज को हमने चॉप कर लिया, यहाँ पे हम मिक्स इसके साथ का एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे साफ सा, इसके अंदर हम इस प्याज को डाल देंगे। हमें इस प्याज का पानी चाहिए, अर्क चाहिए। ठीक हो गया, प्याज का जो पानी है ये सर्दियों में बहुत फायदेमंद है, ये आपके जो खुश्की वगैरह है उसको भी रिमूव करता है, गलत समझा करो, और आपकी जो एड़ियाँ फटी होंगी उसको भी ये फिट कर देगा। इसके अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ लेते हैं, इसका पानी हासिल कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने प्याज का जो पानी है उसको निचोड़ लिया, कोई मसला नहीं है, हाथों को साफ कर लिया। दूसरी चीज जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो करेंगे लीमू। लीमू सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है आपकी जिल्द के लिए, समझा करें बात को। इस तरीके से एक लीमू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। अगर आपके पास लीमू नहीं है, जिन इलाकों में जिन कंट्री में लोग मुझे सुन रहे हैं, तो लेमन जूस भी आप यूज कर सकते हैं, मार्केट से जो मिलता है इसके साथ का लेमन जूस वो भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। ठीक हो गया, मेरे पास फ्रेश लीमू है, मैं वो डाल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से तीसरी चीज जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो हम शामिल करेंगे ग्रैसलीन। ग्रैसलीन आपको पता है सर्दियों में कितनी फायदेमंद है, इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून ग्रैसलीन का। ये देखें इस तरीके से ग्रैसलीन शामिल कर देंगे, सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आप चौथी चीज जो शामिल करेंगे हम कोलगेट पेस्ट। ठीक हो गया, ये कोलगेट पेस्ट बहुत कमाल की चीज है, ये शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से, सारी निकाल लेंगे निचोड़ निचोड़ के। ठीक हो गया, 1/2 टेबल स्पून कोलगेट पेस्ट, और कोई ना कीजिएगा, कोलगेट ही कीजिएगा जो व्हाइट कलर में होती है। ठीक हो गया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर जो चीज शामिल करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है, तवज्जो से आप लोगों ने देखना है और समझना है मेरी बात को। हम इसके अंदर शामिल करेंगे मीठा सोडा, ये 1 टीस्पून ले लिया, 1/2 टीस्पून मीठे सोडे को शामिल करेंगे। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरीके से इसका रिजल्ट देखें, हैं गल समझ आ रही है? ये देखें और खुद देखें, इस तरीके से ये आपकी एड़ियों में से गंदगी निकालेगा, नरम करेगा और उसको आपकी फटी हुई एड़ियों को क्लियर करेगा। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करने लगे हैं। ये हमारी रेमडी इस तरीके से रेडी हो चुकी है, अच्छे तरीके से हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया, या जान कर लिया, फेंट लिया। अब आपने करना क्या है, अच्छे तरीके से अपने पाओं को वॉश कर लेना है, एड़ियों को साफ कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से आपने उठाना है और एड़ियों पे, पाओं की एड़ियों पे बता रहा हूं मैं, इस तरीके से आपने पाओं की एड़ियों पे मसाज करना है, इसका अच्छे तरीके से लगाना है। जो फटी हुई एड़ियां होती हैं, क्रैक वगैरह होते हैं, इस तरीके से आपने लगा देना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने फिर से अपनी एड़ियों को वॉश कर लेना है। अगर आप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता इस अमल को दोहराएंगे, आपकी एड़ियां बिल्कुल चमकदार, सफेद, खुरदरी नहीं रहेंगी, नरम मुलायम हो जाएंगी। भाइयों मुकम्मल गाइड कर दिया, हम आपकी सेहत के जामिन यहां पे ठहरे हुए हैं, हम आपको मुफीद मशवरे देने के लिए यहां पे ठहरे हुए हैं। अगर आपको हमारी ये एड़ियां फटने से बचाओ की रेमेडी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें, इसको बनाइएगा जरूर, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपकी एड़ियां नरम और मुलायम हुई कि नहीं हुई। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।